सर जो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण को क्यों माड़ा कहते हो, ब्राह्मणवाद माड़ा है, ब्राह्मणवाद से हमारी दुश्मनी है ना कि ब्राह्मण की है, आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ब्राह्मणवाद जो है जी वो ब्राह्मण से ही ना शुरू हुआ है जी, ब्राह्मण से शुरू हुआ इसीलिए तो उसका नाम ब्राह्मणवाद पड़ा जी। उसको मनुवाद इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्राह्मण का खानदान मनु के नाम से तो नहीं चलेगा ना, ब्राह्मण का खानदान तो ब्राह्मण के नाम से चलेगा जी। तो ब्राह्मण से ही ब्राह्मणवाद उपजा है, निर्माण हुआ है, इसलिए ब्राह्मणवाद सही नाम है, मगर कुछ लोग उसको मनुवाद भी कहते हैं, मनुस्मृति के नाम पर मनुवाद कहते हैं। वैसे सर बाबा साहब ने आपने हर एक वॉल्यूम में ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण, सनातनी, आर्यन, ऐसे शब्द बातें हैं जो मनुवाद नाम अब हम बदलने लगे, हमारे लोग बदलने लगे। मतलब मनुवाद शब्द जो है पहली बार जो है ये एक काशीराम जी ने यूज किया जी। ठीक है, काशीराम जी ने यूज किया पहली बार, क्योंकि पंजाब के लोगों को ब्राह्मणवाद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों का कोई वाद थोड़ी हो सकता है जिसका हमने का जुमा निकाल दिया पंजाब में। तो ब्राह्मण तो पंजाब में हमारी शादियों में खाना पकाने का काम करता है जी। इसलिए सर ब्राह्मणवाद को लोग इस तरह से भी लेते हैं, जैसे कि नस्लवाद है, आतंकवाद है, ब्राह्मणवाद भी ऐसे ब्राह्मणवाद है सर। जो अन्य बात है, क्या ब्राह्मणवाद और अन्य वादों में फर्क है? ब्राह्मणवाद में और अन्य वाद में सही, जैसे कि नस्लवाद है और काफी वाद है, जैसे कि सबसे खतरनाक और हम आप किससे कहते हैं खतरनाक? तो हमारे दृष्टि से ब्राह्मणवाद भारत के लिए खतरनाक है जी, भारतीय लोगों के लिए खतरनाक है, तो इस दृष्टि से उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो थोड़ा सा और बता दिए, जब हमने पहले बताया हम हमारे कॉल कर रहे हैं, बाबा साहब की दृष्टि में ब्राह्मणवाद क्या है और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणवाद बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से जी इनइक्वेलिटी इज एसेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, अर्थात असमानता ब्राह्मणवाद का निचोड़ है, अर्क है। जय बोलो साथियों, अभी आपने बामन मेशराम जी की जुबानी सुना है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग नेटवर्क में कहते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण को मत कहिए, ब्राह्मणवाद का विरोध करिए। सो अब बाबा साहब जी ने कहा है, अभी आपने बताया, उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी को में वादा होगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी बामन मेशराम जी की जो बात से मिली होगी। जय बोलवासी, जय भीम।